आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ध्वनि का क्या अर्थ होता है बच्चों? ध्वनि यानी आवाज़। आप चारों तरफ सुनते हो अपने, इधर उधर बाहर से सब जगह से आवाज़ें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को सुना है, जो आवाज़ हमारे मन से, हमारे भीतर से आती है? बच्चों, इस कविता के अंदर कवि अपने मन से आने वाली आवाज़ या ध्वनि की ही बात कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं। छायावाद की विशेषता है कि इसमें प्रकृति के अवयवों का बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन होता है। कवि ने प्रकृति का वर्णन जो किया है, उसमें हमें बाहर तो अर्थ जो दिखाई देता है, प्रकट रूप से अर्थ तो दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक गूढ़ अर्थ भी छिपा होता है। ये छायावाद की विशेषता है। इस अर्थ को, गूढ़ अर्थ को हमें स्वयं समझना होता है। बच्चों, इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का उदाहरण लिया है। वसंत ऋतु के आने पर जैसे चारों तरफ प्रकृति हरी भरी हो जाती है, एक उमंग का, एक खुशी का संचार हो जाता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि उसके जीवन में भी वसंत आ गया है। अर्थात उसके मन में एक नई उमंग भर गई है। उसने संकल्प लिया है कि वह कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा, और इसी संकल्प और इसी उमंग को वे नई युवा पीढ़ी के अंदर संचारित करना चाहता है। कवि कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में बदलाव आ जाता है और सब ओर हर्ष व उमंग छा जाता है, उसी प्रकार उनके जीवन में भी वसंत ने प्रवेश कर लिया है और उनका जीवन नए जोश से भर गया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु पूरी प्रकृति को जगाने व नवरचित करने तक इस धरती से जाती नहीं है, उसी प्रकार कवि भी इस धरती पर युवा वर्ग को जागृत किए बिना अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात उनका लक्ष्य है पूरी मानव जाति, विशेषकर युवाओं में नया जोश भर दें, ताकि वे अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिएं और कभी भी हार न माने। कवि कहता है कि जब तक उसका यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, उसका जीवन समाप्त नहीं होगा। बच्चों, आपने भी प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों को महसूस किया होगा। आपके जीवन में क्या बदलाव आता है जब मौसम अपना रंग बदलता है, या कहें कि ऋतु बदलती है? आपके खान पान में, पहनावे में, पेड़ पौधों में आप जरूर बदलाव देखते होंगे। गर्मी और सर्दी के कपड़े बदल जाते हैं, खाने के लिए सब्जियां, फल, उनमें भी बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु आने पर, वसंत आने पर भी बहुत कुछ बदलता है, आपने जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इन सब में से सबसे लोकप्रिय ऋतु है वसंत। आप बताइए मुझे, ऐसा क्यों है? सोचिए जरा, क्या विशेषता है वसंत ऋतु में? कैसे भिन्न है ये दूसरी ऋतुओं से? तो आइए जरा वसंत की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए तो, क्या क्या होता है वसंत के आने पर? प्रकृति में क्या बदलाव आता है? हरियाली छा जाती है ना, पेड़ों पर नई कोंपलें, नए पत्ते, नई कलियां, फूल, चारों तरफ खिले हुए फूल नजर आते हैं, जैसे प्रकृति स्वयं ही खिल उठती है। तो बच्चों, जब वातावरण में बदलाव आता है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। वसंत आने पर जीव जंतु, मनुष्य सभी एक नए जोश व उमंग से भर जाते हैं। और जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो वह क्या करता है? उत्सव मनाता है।
इसीलिए वसंत ऋतु के आने पर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे लोकप्रिय त्योहार है होली। जैसे प्रकृति रंग बिरंगी हो जाती है, मनुष्य भी होली के त्योहार में अपने जीवन को रंग बिरंगा कर देता है। इसके अलावा बच्चों, ये फसलें पकने का भी समय होता है। देश के अलग अलग भागों में फसल की कटाई की खुशी में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। खुशी एक ही है फसल कटाई की, लेकिन त्योहारों के नाम अलग अलग हैं। जैसे बैसाखी, गुड़ी पड़वा, गंगौर, बिहू इत्यादि। तो बच्चों, बातें तो बहुत हो गईं, चलिए अब कविता का आनंद लेते हैं। कविता का नाम ध्वनि, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कवि क्या कहते हैं? वे कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, आपको कविता पसंद आई? बहुत ही मधुर कविता है। तो आइए हम अब जान लेते हैं कि कवि के कहने का अर्थ क्या है। तो थोड़ा सा बातचीत से देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। पहला पद देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। बच्चों, कवि आशावादी है। इस गुण के कारण ही वे मानते हैं कि उद्देश्य की पूर्ति के पहले उनका अंत नहीं हो सकता। उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश अभी अभी प्रवेश कर गया है। जैसे कि वसंत ऋतु में चारों ओर फूलों की भरमार होती है, खुशबू फैली होती है, चारों तरफ सुंदरता बिखरी रहती है और वह थोड़ी देर के लिए रहता है। कुछ समय के लिए वसंत की ये बहार चारों ओर छाई रहती है। उसी तरह कवि कहना चाहते हैं कि ये जोश, नया उत्साह उनके अंदर अभी कुछ दिन ठहरेगा, उनका अंत अभी नहीं होगा। चलिए अगला पद पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है बच्चों? कवि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो कि अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। इसका अर्थ है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में नया जोश और उत्साह छा जाता है,
और चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराशा से घिरे हुए और हार मान चुके लोगों के जीवन में नई बहार ले आना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे उन सब को एक नया जीवन प्रदान करें। अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश व हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े हुए युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता के रूप में भर दूंगा। कवि चाहते हैं कि वे प्रत्येक मानव के जीवन को सुखमय बना सकें। वे मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सकें और साहस पूर्वक अपना जीवन जी सकें। कवि का ये मानना है बच्चों कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेगी, और जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ है बच्चों कि जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को जान लेता है और खुशी खुशी हर मुश्किल को पार करता है उसका अंत कभी नहीं होता। तो कवि नई पीढ़ी को एक राह दिखाना चाहते हैं, सही दिशा का ज्ञान देना चाहते हैं, और फिर उनका अंत कभी नहीं होगा। कवि ने ये ठाना है कि वे युवा पीढ़ी को सही राह दिखा देंगे और तब तक उनका अंत नहीं हो। तो बच्चों आइए एक बार फिर से कविता पढ़कर उसका आनंद लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल विसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप उसका जवाब सोचिए और फिर मैं भी आपको जवाब बताऊंगी। तो पहला बिंदु जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस कविता में वह ये है कि कवि को इतना विश्वास क्यों है कि उसका अंत नहीं होगा, अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। तो क्या बातों से, किन बातों से आपको पता चलता है कि वे उसे इतना विश्वास क्यों है, बताइए, अनुमान लगा सकते हैं क्या आप? बच्चों इसका एक मुख्य कारण है कवि का उत्साह, उसके दिल में उत्साह भरा है और फिर वह दृढ़ निश्चयी है, विश्वास है उसे अपने पर, तो उसे पक्का विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होने वाला। तो बच्चों यदि हम किसी भी बात को ठान लें, किसी बात का हमें विश्वास हो जाए, पूर्ण विश्वास, तो वह कार्य अवश्य हम कर पाते हैं। तो ये बात गांठ बांधने योग्य है। बच्चों एक और बिंदु जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वह यह है कि
फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? आपने कविता में पढ़ा है, याद होगा आपको, बताइए। पहली बात तो वह अपने कोमल स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है, ताकि वे नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात वह उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रही है और सचेत नहीं है। एक और बात बताइए बच्चों, कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को हटाने के लिए उनमें जीवन रूपी अमृत पराग के रूप में संचारित करना चाहता है। इसके साथ साथ वह युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश का संचार करके उनकी तंद्रा और आलस्य को भी दूर हटा पाएगा। तो बच्चों, अब आइए बढ़ते हैं एक गतिविधि की ओर। यह है बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको विकल्प दूंगी। आपने चुनना है कि सही विकल्प कौन सा है। देखें आपने कितना सीखा है। पहला प्रश्न बच्चों, ध्वनि का क्या अर्थ होता है? धरती, आवाज, सुंदरता। सही जवाब दिया आप सबने, ध्वनि का अर्थ है आवाज। दूसरा प्रश्न, कविता के कवि का क्या नाम है? याद है आपको, बताइए जरा। पहले विकल्प सुन लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सही। अगला प्रश्न, कवि प्रकृति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? विकल्प हैं, वसंत एक सुंदर ऋतु है, वसंत में प्रकृति सो जाती है, या जीवन में आलस्य और निराशा दूर कर आगे बढ़ना चाहिए। ये तो सभी को समझ आ गया होगा कि कौन सा उत्तर है। जी हाँ, तीसरा विकल्प, जीवन में आलस्य और निराशा दूर कर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि प्रकृति को किस रूप में देखना चाहता है? इसके विकल्प हैं, हरी भरी व प्राणवान, या रूखी सूखी, या आशा के बिना। सही उत्तर बताइए बच्चों, हरी भरी व प्राणवान, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? होली व दिवाली, या होली वसंत पंचमी और बैसाखी, या होली और दशहरा। ये तो सभी को मालूम है, उत्तर क्या है? होली, वसंत पंचमी और बैसाखी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान से सुनिएगा विकल्प। पहला विकल्प है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा, खान पान, पहनावे व स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तीसरा, गर्मी में गर्मी व सर्दी में सर्दी लगती है। और चौथा, उपर्युक्त सभी सही हैं। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। क्या उत्तर है इसका? हाँ, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, वसंत ऋतु को ऋतु राज क्यों कहते हैं? विकल्प हैं, इसमें न ज्यादा सर्दी होती है न गर्मी, या प्रकृति सुंदर हो जाती है, या चारों ओर उमंग छा जाती है, और या फिर उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर भी यही है, उपर्युक्त सभी। ये सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चों, अब हम कविता के सौंदर्य की बात करेंगे। आप कहेंगे कि कविता का सौंदर्य क्या होता है? तो बच्चों, कवि लोग कविता को विभिन्न घटकों से सजाकर सुंदरता प्रदान करते हैं।
इन सब घटकों में से सबसे विशेष है अलंकार। आइए देखें कि इस कविता में कवि ने किन अलंकारों का प्रयोग किया है। आपने देखा था कविता के अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति यानी बार बार उसी शब्द को एक से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। जैसे अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प। बच्चों, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही शब्द को एक बार से ज्यादा प्रयोग किया जाए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये तो बात हुई बच्चों शब्दों की पुनरावृत्ति की, लेकिन कविता में कवि ने अक्षरों की भी पुनरावृत्ति की है। जैसे ये पंक्ति देखिए, द्वार दिखा दूंगा। इसमें द्वार, दिखा और दूंगा तीनों शब्दों में द अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है। तो बच्चों, यह अनुप्रास अलंकार है। इन दोनों अलंकारों से मिलता जुलता एक और अलंकार होता है, जिसे हम यमक अलंकार कहते हैं। कविता में उसका प्रयोग तो नहीं है, लेकिन हम उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पंक्ति है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर। यहाँ पर तीन बेर शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों बार अर्थ अलग है। पहली बार बेर का अर्थ है एक फल, और दूसरी बार बेर का अर्थ है बार, यानी तीन बार खाती थी वह। तो इस प्रकार अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग हो, तो हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, कबीर जी का एक दोहा है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में मन का शब्द दो बार आया है। पहली बार मन का अर्थ है मन से संबंधित, और दूसरी बार जब मन का आया है उसका अर्थ है माला का मन का, अर्थात मोती। तो दोनों अर्थ अलग हुए, इस तरह ये भी यमक अलंकार है। तो बच्चों, आप भी कई बार बातें करते हुए किन्हीं शब्दों को बार बार कह देते होंगे, दो बार इकट्ठा प्रयोग करते होंगे, आप ढूंढिए। तो बच्चों, आप भी ध्यान से सोचिए, आपको जरूर याद आ जाएंगे ऐसे कुछ शब्द जिन्हें आप दो बार प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। तो मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको, देखें आप इनके वाक्य बना सकते हैं, इन्हें वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं, चलिए देखते हैं। पहला शब्द है बातों बातों। बनाइए वाक्य, कैसे प्रयोग करोगे? बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। हाँ, ऐसा आप भी वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है रह रह कर। रह रह कर आपको कुछ बात की किसी की याद आती हो, बता सकते हो कि मुझे रह रह कर अपने मित्र की याद आती है, स्वर्गवासी दादी की याद आती है, कुछ भी बना सकते हो। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द मैं आपको दे रही हूँ लाल लाल। किसके संदर्भ में आप इस शब्द युग्म का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे फूल गुलाब का लाल लाल हो सकता है, सेब का रंग लाल लाल हो सकता है, मैंने लाल लाल सेब खरीदे, या सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं, कुछ भी कह सकते हो। अगला शब्द है सुबह सुबह। ये तो आप जरूर प्रयोग करते होगे। सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती, सुबह सुबह मेरी दादी हरे कृष्णा का जाप करती हैं, कुछ भी कह सकते हो। अगला शब्द देखते हैं बच्चों, रातों रात। रातों रात शब्द किससे ज्यादा संबंधित हो सकता है? चोर से। चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। ऐसा ही कोई और वाक्य भी आप बना सकते हैं। अगला शब्द देखिए, घड़ी घड़ी। किसी से आप चिढ़ जाओ तो आप कह सकते हो, तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो, तुम घड़ी घड़ी क्या बोले जा रहे हो। तो इस तरह के आप
कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आप और भी शब्द ढूंढिए जो आप इस तरह से प्रयोग करते हैं और उनका वाक्य बनाइए। आप ये एक खेल भी खेल सकते हैं, अपने मित्र को कोई शब्द दीजिए और कहिए उससे कि वाक्य बनाए। तो बच्चों, पाठ समाप्त करने से पहले हम कविता की कुछ बातों को दोहरा लेते हैं। आप मुझे बताइए, कवि ने इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? उत्तर पता है आपको? जी हाँ, वसंत ऋतु का। बहुत अच्छे। फिर बताइए, कवि ने इसे मृदुल वसंत क्यों कहा है? मृदुल वसंत का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है जीवन का युवा काल, जो कि जोश से भरा समय होता है। जैसे वसंत में प्रकृति जवान होती है और जोश से भरी होती है। अच्छा, तो बताइए कि वसंत किसका प्रतीक है? हमें क्या समझ आना चाहिए वसंत से? वसंत बच्चों नई शुरुआत का प्रतीक है। तो कवि इस कविता के द्वारा क्या करना चाहता है? कवि निराश लोगों के मन में नई चेतना व जोश भरना चाहता है। अच्छा बच्चों, कविता में एक शब्द आया है, प्रत्यूष। प्रत्यूष मनोहर, इससे क्या तात्पर्य है? प्रत्यूष का अर्थ होता है सुबह और मनोहर यानी सुंदर। तो कवि ने सुबह को सुंदर कहा है क्योंकि सुबह होने पर दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर एक पंक्ति है, डालियां कलियां कोमल गात। इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ है प्रकृति में नया जीवन भरना। कवि प्रकृति में नया जीवन भरने की बात कर रहा है। बच्चों, इस कविता में कवि ने वसंत का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आपको पता है कि शायद ही कोई कवि ऐसा होगा जिसने वसंत पर कविता ना लिखी हो। आप भी कोई और कविता ढूंढिए और उसे पढ़िए, और अगर हो सके तो स्वयं एक कविता बनाइए वसंत पर। आइए अब मैं आपको वसंत पर आधारित कुछ पंक्तियां सुनाती हूं। रिश्तों में हो मिठास तो समझो वसंत है, मन में ना हो खटास तो समझो वसंत है। खुशहाली न रहे सीमित कुछ खास घरों तक, जन जन का हो विकास तो समझो वसंत है। तो बच्चों, आशा है आपको पाठ समझ आया होगा और आप इसके प्रश्न उत्तर भी समझ पाए होंगे। तो इस तरह हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।